फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए हुए प्रोडक्ट को कैंसिल करने के लिए सबसे पहले फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीचे ही अकाउंट, अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको ऑर्डर्स पे जाना है। जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे हमारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो ऊपर वाला जो ये CMF का फ़ोन जो है, मैंने ये ऑर्डर किया है, मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ सारे प्रोडक्ट की डिटेल देखने को मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने आज ही इसको ऑर्डर किया है, जो कि कन्फर्म भी हो चुका है और ये प्रीपेड ऑर्डर है। तो नीचे जाएंगे तो नीचे हमको यहाँ पर देखने को मिलता है एडिट ऑर्डर। कैंसिल करने के लिए हमको पहले सबसे पहले एडिट ऑर्डर पे जाना है और यहाँ पे हमको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि क्या आप जो है फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं, या आप डिलीवरी एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, या इस ऑर्डर को ही कैंसिल करना चाहते हैं। तो हम तीसरे वाला सेलेक्ट करने वाले हैं, आई वॉन्ट टू कैंसिल माई ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पर हमको रीज़न सेलेक्ट करना है, क्या रीज़न है कैंसिलेशन का। तो यहाँ पर काफ़ी सारे रीज़न दे रखे हैं कि आपका डिलीवरी एड्रेस का इशू है, या रीज़न यहाँ पर दे ही नहीं रखा, प्रोडक्ट महंगा है, या कम टाइम में डिलीवरी चाहिए, रिव्यू अच्छे नहीं लगे, या कॉन्टैक्ट डिटेल आपको चेंज कर दिया। तो कोई भी रीज़न आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ माय रीजंस आर नॉट लिस्टेड हियर, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे को लेना नहीं है। अब यहाँ पे और भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कमेंट्स में। इन्होंने लॉन्च में दिखा रखा है कि 33 वाट का चार्जर आप अलग से खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे को खरीदने कोई ऑप्शन मिला ही नहीं। नीचे आप रिफंड स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 15,048 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे जिससे आपने पेमेंट किया है, और 10 सुपर कॉइन आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो कैंसिलेशन कन्फर्म हो चुकी है। चेक स्टेटस पर क्लिक करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैंसिलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कैंसल हो चुका है। और सी ऑल अपडेट्स पर क्लिक करके आपको देखने को मिलेगा कि बता रहा 4 घंटे के अंदर आपका रिफंड आपको वापस मिल जाएगा, यदि आपने प्रीपेड ऑर्डर है। अगर आपका कैश ऑन डिलीवरी है तो यहाँ पर आपको कोई पैसा मिलने वाला ही नहीं। तो लगभग 1 घंटा हो चुका है, फ्लिपकार्ट में जाके चेक कर लेते हैं कि हमारे सुपर कॉइन और पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। तो हम यहाँ पर अकाउंट पर जाते हैं। तो अकाउंट पर जाने के बाद आप देखेंगे तो 10 रुपये तो हमारे ऊपर दिखाई दे चुके हैं। उसके बाद ऑर्डर्स पे जाके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर रिफंड इन प्रोग्रेस अभी लिखा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे पैसे मेरे आ चुके हैं खाते में। तो आप देखिए 15,048 रुपये भी आ चुके हैं, सुपर कॉइन भी। तो इस तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं ऑर्डर को।